वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे 400 साल प्रकाश पुरब नूं समर्पित शब्द विचार की पावन लड़ी अधीन अज असी 9वें महल्ले की बाणी का दूसरा शब्द साधो रचना राम बनाई एक बिनसै एक अस्थिर मानै अचरज लख्यो ना जाई दी विचार करांगे जो गोड़ी राग अधीन उच्चारण किया होया है। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंग 219 उत्ते अंकित है। इस शब्द विच गुरु जी प्रभु की जगत रचना की अचरज खेड नूं समझण दा उपदेश कुछ इस तरह कर रहे ने। गोड़ी महला नौवां साधो रचना राम बनाई एक बिनसै एक अस्थिर मानै अचरज लख्यो ना जाई रहाउ। हे संत जनों, परमात्मा ने जगत की यह अचरज रचना रचा दिती है कि एक मनुख तो मरदा है पर दूजा मनुख उसनू मरदिया वेख के अपने आप नू सदा टिके रहने वाला समझदा है। यह एक अचरज तमाशा है जो बयान नहीं किया जा सकता। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यों सुपना रहनाई। हे संत जनों, मनुख काम दे क्रोध दे मोह दे काबू विच आया रहिंदा है ते परमात्मा दी हस्ती नू भुलाई रखदा है। ये शरीर सदा नाल रहन वाला नहीं है पर मनुख इस नू सदा कायम रहन वाला समझदा है। जिवें रात वेले सुत्तिआं जिहड़ा सुपना आउंदा है मनुख नींदर दी हालत विच उस सुपने नू असली वापर रहा गल समझदा है। जो दिसै सो सगल विनासै ज्यों बादर की शाई जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहो राम सरणाई। हे संत जनों, जिमें बदल दी छां सदा एक थां टिकी नहीं रह सकती तिवें ही जो कुछ जगत विच दिस रहा है यह सब कुछ अपने अपने समय नाश हो जाता है। गुरु नानक जी आख रहे ने जिस मनुख ने जगत नू नाशवंत समझ लिया है वह सदा थिर रहने वाले परमात्मा की शरण पिया रहा है। सो इस जगत विच जो कुछ दिस रहा है वह सब नाशवान है। ये बदल दी न्याई है, इत्थे कोई थिर नहीं रहने वाला। सानू ये समझ लेना चाहिदा है जो कोई इत्थे सदा टिकन वाला है वह वाहेगुरु खुद आप है जो कण कण विच रमिया होया है। शब्द विचार की इस पावन लड़ी अधीन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी विच्चों एक होर शब्द विचार लैके दोबारा फिर होवांगे हाजिर। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रोजाना नितनेम अमृतमई बाणी कथा कीर्तन ढाडी वारा सरवण करन लई सबस्क्राइब करो यूट्यूब चैनल ग्लोबल गुरबाणी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन ते क्लिक करो।